बुलडोजर पर तालियां बजाने वाले आज बहुत दुखी हैं, कह रहे बहुत गलत हुआ। क्या बुलडोजर से क्राइम कंट्रोल होएगा? कानून राज है ही नहीं, ये तो तानाशाही राज है। कानून कहता है कि 100 दोषी भले बच जाए लेकिन एक निर्दोष को नहीं फंसना चाहिए, एक निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए, और ये तो मौत की बात कर रहे हैं। 100 दोषी भले फंस जाए, 100 दोषी भले बच जाए लेकिन एक निर्दोष को परेशान न किया जाए। बुलडोजर वाली जो सरकार है इसकी नीयत ही सही नहीं है। बुलडोजर तो किसी पे भी नहीं चलना चाहिए। ये कानपुर की जो हृदय विदारक घटना हुई है, ये प्रदेश और देश की सरकार पे जो महिला संरक्षण की बात करते हैं, इन सरकारों पे कलंक है। ये सरकार बिल्कुल निरंकुश सरकार है, इसको कोई काम नहीं है। बुलडोजर एक भौकाल बना कर रखे हुए है। बुलडोजर कोई नीति नहीं होती सरकार की। मैडम आपको बताया, बुलडोजर कोई नीति, संविधान के पावर नहीं दिया गया है कि आप किसी को बुलडोजर लेकर आप ढा देंगे, उसकी प्रक्रिया होती है। मैम, बुलडोजर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रूप से लोगों को दबाने के लिए किया जा रहा है। सरकार इसका इस्तेमाल अपने बचाव में, अपने संरक्षण में कर रही है।